हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आरडी और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पहली बातें पर। अगर आप पहली दफा इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको मिलता रहे सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, जैसा कि आपने पिछली बार हमारे वीडियोस को इतना सपोर्ट किया, इस बार फिर हम एक बार बात करने वाले हैं बिग बॉस के सबसे बड़े बॉस से, यानी सलमान खान से। पिछली बार उन्होंने इतनी बेबाकी से जवाब दिया कि हमारे दर्शकों को बहुत ही मजा आया, यानी आपको बहुत मजा आया। और दोस्तों इस बार फिर वो तैयार हो गए हैं हमारे साथ इंटरव्यू देने के लिए। और एक बार फिर बॉलीवुड की आन बान शान, हमारे बिग बॉस के जान आ रहे हैं हमारे बीच। तालियों के साथ स्वागत करिए सस्ता सलमान खान। करेंगे सबका स्वागत। तो नमस्ते, सस्रिया काल, केमचो, आदाब, केमो नाचो, और आप सभी का स्वागत है बिग बॉस 16 में। और जैसे कि मेरे को लास्ट टाइम जानवी ने कहा था कि वड़कम बोलना नहीं भूलना, तो आज के शनिवार के वार में सलमान भाई, हाँ सलमान भाई, ये मेरा शो है। तू कौन है रे? इस शो का होस्ट। अच्छा, गेस्ट। अच्छा जी, ये बिग बॉस के रिलेटेड इंटरव्यू है। आपने कहा था आप आएंगे, आप आए हैं। अच्छा, मैंने कहा था क्या? सलमान भाई आप बिजी रहते हैं, भूल गए होंगे, है ना? नहीं रहता मेरे पास ज्यादा। जी सलमान, चल भाई, जो भी पूछने का सीधा सीधा पूछ और जल्दी जल्दी खत्म कर दे। जी सलमान भाई, सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन पहले मैं और मेरे पूरे दर्शक आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं, जिस तरीके से आप बेबाकी से आंसर देते हो और आप यहाँ पर आए भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और तेरा भी रे, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सलमान भाई। और एक बात बोलनी थी सलमान भाई, मतलब आज का एपिसोड देख के ना एकदम मजा ही आ गया। मतलब जिस तरीके से आपने शुरुआत करी और जिस तरीके से पूरा शो को आज आपने होस्ट किया है ना, मतलब मजा आ गया। रुक, तेरे गाड़ी पे जरा ब्रेक मार, तेरे को कुछ ज्यादा ही मजा नहीं आ रहा है क्या? कुछ ज्यादा ही नहीं हंस रहा है तू? जरा अपने हंसी पे कंट्रोल कर और जो पूछना जल्दी पूछ, समझा क्या? हाथ में रहना मेरे साथ। सॉरी सलमान भाई, सॉरी। मतलब सलमान भाई, शुरू कर सकते हैं हम लोग इंटरव्यू, लेकिन उसके पहले हमारा जो शो का प्रोसीजर है कि आपको पहले कसम खाना होगा कि आप जो बोलेंगे सब सच बोलेंगे। वैसे आप सच ही बोलते हो, लेकिन कसम खाना। ए, ज्यादा नहीं बात करने का, मैं जो भी बोलता है सचिच बोलता है। मैं बिग बॉस की कसम खाता है, मैं बिग बॉस की आग की कसम खाता है, मैं कलर्स का खाता है। मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, समझे क्या? जी सलमान भाई, अब तो सलमान भाई आप कलर्स की भी खाते हो तो सच ही बोलोगे। तो चलो सलमान भाई, इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो सलमान भाई, पहला सवाल जो सारे दर्शक जानना चाहते हैं, पूछ ले। शुक्रवार को इतने सारे ट्रेलर आए, सबने वो वीडियो देखा, सबको लगा आप शाम को आएंगे और पूरे के पूरे घर वालों की क्लास लगाएंगे। हम 10 बजे का इंतजार किए, 10 बजे टीवी चालू किए, लेकिन सलमान भाई आप नहीं आए। तो ये दर्शक जानना चाहते हैं कि आप क्यों नहीं आए? वो क्या है ना, मेरा थोड़ा बिग बॉस के साथ मचमच हो गया था। वो साला मेरे को आग दिखा रहा था, मैंने उसको उसकी औकात दिखा दी। सही किया सर। तेरे को फुटेज मिला रहेगा ना कल का? मिला कि नहीं? तो आई बटन में जाके आप लोग भी देख लेना कल का फुटेज, समझे क्या? मैंने बिहाइंड द स्टेज क्या हुआ मेरा और बिग बॉस के साथ, देखना जरूर। बहुत भयानक हो गया, मैं बता रहा हूँ, देख लेना। चलो सलमान भाई, तो दूसरा सवाल करते हैं। मतलब कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इस सवाल के बाद अगर पूरी दुनिया में एक सवाल गूंज रहा है तो वो बिग बॉस के हाउस का है। आखिर रूम नंबर 6 में पपीता कौन लाया? ए, मजाक मत करना मेरे साथ। क्या पपीता लगा रखा है रे? वो अर्चना से पूछ जिसने गौतम के हाथ में टोकरी समाया, समझा क्या? मेरे को नहीं पूछने का पपीता के बारे में, हाथ में रहना मेरे साथ। ठीक है सलमान भाई, जब अर्चना बाहर आएगी तो उससे पूछ लेंगे। और हाँ, आज शाम का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है, पूछ जल्दी।
जी सलमान, आपने प्रियंका और अंकित को साइड में क्यों कर दिया? ये क्या आलतू फालतू सवाल पूछ रहे रे? जो भी पूछने का सीधा सीधा पूछने का, ज्यादा पूछेगा ना तो मैं चला जाएगा। अब तेरे पास है ना सिर्फ आखिरी मौका है, तू इसका पूछेगा तो पूछ, नहीं तो मैं जा रहा है यहाँ से। नहीं 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 सलमान भाई, मतलब अब देखो मेरा आखिरी मौका है और आपने प्रॉमिस भी किया है आप सच बोलेंगे। हाँ बोलूंगा मैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता मैं। जी सलमान भाई, तो देखो ये सवाल सलमान भाई मेरा नहीं है, ये पूरी जनता जानना चाहती है, आखिर आपने क्यों प्रियंका और अंकित को साइड में किया? ए क्या साइड में किया, साइड में किया लगा के रखा रे? ए मैंने सिर्फ वो प्रियंका को साइड में किया, वो अंकित तो उसके साथ में फ्री पे फ्री आ गए, समझा क्या? वो दोनों एक ही यूनिट है ना। और वैसे भी मेरे को आज चैनल ने बताया था कि सिर्फ शालिन भनोट और टीना का दिखाने को, क्योंकि शालिन शो छोड़ के जा रहा था, मेरे को कहा गया था कि उसको रोकने का है। अच्छा, और मेरे को उसी का पैसा मिला था, समझा? और टीना का पब्लिक को इन सबसे लेना देना नहीं है रे, उन लोग को थोड़ा लव ट्रायंगल एंगल चाहिए, इसलिए थोड़ा बीच में सुम्बुल को भी डाला। और ये क्या तू बात करता है रे, प्रियंका के फैंस जानना चाहते, प्रियंका के बाहर के लोग जानना चाहते? अरे वो कुछ फैंस वैंस नहीं है, वो सारी उसकी पीआर टीम है, जो पोस्ट डाल के कमेंट बॉक्स ऑफ कर देती है। अच्छा, समझा क्या? अब समझ में आया तेरे को कि कौन सही है कौन गलत है? चल अब मैं चलू क्या, मेरे को जाने का है, जाऊ मैं? जी सर। बात करता है, चल चलता है मैं। तारा टा 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 तारा टा। ये हमारे साथ थे सस्ता सलमान खान। देखा आपने कैसे बेबाकी से जवाब दिया? आखिर कौन जानना चाहता था कि प्रियंका को क्यों साइड में किया? कोई फैंस या कोई जनता नहीं थी, उनकी पीआर टीम निकली। वैसे एक बात बताओ, आज जब साइड में कर दिए ना, आज पहली बार सुकून से मैंने बिग बॉस बैठ कर देखा। उम्मीद करता हूं आपको भी आज शनिवार का वार बैठ कर जब आपने देखा होगा तो आपको सुकून से मजा आया होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो भी देखकर आपको बहुत मजा आया होगा, और अगर मजा आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। अगर मजा नहीं भी आया है तो हमें बताइए कि आपको मजा क्यों नहीं आया है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले शनिवार फिर सस्ता सलमान खान के साथ एक नए इंटरव्यू में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डेली एपिसोड के रिव्यू हमारे चैनल पहली बातें पर। थैंक यू।